जुड़ चुके हैं और वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का करते हैं स्वागत। वागले साहब, गुड मॉर्निंग। एक बार जरा बजाज फाइनेंस पर राय दे दें। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का इंतजार है। बजाज फाइनेंस भी सेकंड बिगेस्ट गेनर है ओपनिंग पर निफ्टी पे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। बजाज फाइनेंस का तो क्लियर कट ब्रेकआउट वाला पैटर्न है। इनफैक्ट अगर मेरे को कोई वीकली स्टॉक ऑफ द वीक देना है तो मेरे लिए वो बजाज फाइनेंस होगा। 7600 के आसपास का बंद है या फ्राइडे का बंद है। मुझे लगता है जैसे ही 7730-40 तोड़ेगा, इसमें एक राउंडिंग बॉटम कंफर्म हो जाएगा, जिसका मिनिमम टारगेट 8100 है। और ये ट्रेडिंग टारगेट है, कुछ दिनों में ही आ सकता है, एक आध दो दिनों में ही आ सकता है। और 8100 के ऊपर तो न्यू स्काई जोन जो भी आप बोलते हो वो खुल रहा है, तो उसका तो मैं मतलब 10,000 के ऊपर का टारगेट है। बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहा है, लेकिन व्यू ऐसा है अगले 3 से 6 महीने में बजाज फाइनेंस अगर 10,000 के ऊपर चला गया मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। आपका स्टॉप लॉस 7300 का पोजिशनल होना चाहिए। तो बहुत ही पॉजिटिव व्यू आ रहा है जहां तक बजाज फाइनेंस का सवाल है वागले साहब की तरफ से। खैर, बहुत ही पॉजिटिव व्यू आ रहा है।